हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट को ओपन कर रहे हैं तो समथिंग वेंट रॉन्ग वाली प्रॉब्लम आ रही है, नहीं चल रहा है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक करेंगे। तो देखिए, इसे सही करने के लिए मैं आपको दो तीन तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल को एक बार देखिए डाटा बंद करके फ्लाइट मोड में करना है। फिर जैसे ही 2-3 सेकेंड हो जाएँ फिर फ्लाइट मोड को बंद कर देना है। फिर आपको डाटा ऑन करना है, और जैसे ही फुल नेटवर्क आ जाए, आपका इंटरनेट कनेक्शन भी यहाँ पर आ जाए, फिर आप एक बार फ्लिपकार्ट को ओपन करना। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहेगी तो सही हो जाएगी, फ्लिपकार्ट ओपन हो जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग वाली प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अगर इस तरीके से सही नहीं होता है तो एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है या स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, इससे भी सही हो जाता है। तो अगर इससे भी सही नहीं होगा तो फिर क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। आएंगे थोड़ा नीचे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स नाम का या ऐप मैनेजमेंट नाम का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ऊपर ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप नाम से, इस पे क्लिक करना है। सभी ऐप यहाँ पर आ जाएंगे, आपको फ्लिपकार्ट यहाँ से खोज लेना है, मिल जाएगा। या फिर ऊपर आप सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे फ्लिपकार्ट तो यहाँ पर आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजेज नाम का या स्टोरेज नाम का, ऑप्शन नीचे ऊपर हो सकता है गाइस, तो स्टोरेज पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से क्लियर कैच करना है, फिर क्लियर डाटा पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो चलिए हम ओके कर देते हैं। फिर आ जाना है बैक होम स्क्रीन पर। अब आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं क्लियर डाटा। फ्लिपकार्ट पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए टच करके रखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ से भी आप स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करके क्लियर डाटा कर सकते हैं। फिर होम स्क्रीन पर आना है। अब आपको फ्लिपकार्ट को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको अपनी भाषा सेलेक्ट कर लेना है और अपने नंबर से लॉगिन हो जाना है, जैसे आप लॉगिन होते हैं। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे ही यहाँ पर नंबर डालकर लॉगिन किया, यहाँ पर ओपन हो चुका है और जो प्रॉब्लम थी समथिंग वेंट रॉन्ग वाली, वो सही हो चुकी है हमेशा के लिए। इस तरीके से गाइस आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।